जय बाबा भाई। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हम इस बार दूसरी बार निकल रहे हैं। फिर पता नहीं कब मिलेगा। वहाँ काली मंदिर में हम व्यवस्था लगाए हैं सोने का। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ। तो आज जो है 25 तारीख हो चुका है और अभी हम निकलने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम साइकिल यात्रा पे। अभी बाहर में हम साइकिल में सारा सामान लोड कर लिए, अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और जाएंगे बाहर में मंदिर के लिए निकलेंगे। मंदिर में प्रणाम करके फिर हम आगे का रास्ता निकल जाएंगे। तो अपने पुराने टैगलाइन से वीडियो को करते स्टार्ट। बड़े को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरी उम्र वालों कैसे मेरे यार। मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हो ट्रैवल विथ निखिल। तो आप लोग वीडियो जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम यात्रा का जो है पूरा मजा आप लोगों को, पूरा दर्शन हम कराने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ये देखो, ये अपना साइकिल और ये पूरा सामान लोड पड़ा हुआ है। तो रखेंगे, बोतल को कहीं सेट करेंगे। बाय 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 टाटा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा मंदिर के वीआईपी गेट पे, और यहां पे अभी हम साइकिल लगा के जा रहे हैं अंदर में दर्शन कर ले फर्स्ट ज्योतिर्लिंग का, जहां से हम अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे सामने देख रहे हैं मंदिर है, और ये जो है वीआईपी एरिया है यहां का मंदिर प्रांगण का। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं गर्भगृह में और दर्शन करके निकलते हैं। हर हर महादेव। तो यहाँ पे अभी हम प्रवेश कर रहे हैं निकास द्वार से, और अभी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। सबसे भक्तों का कल्याण करे। तो आप लोग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। जय श्री हर हर महादेव। तो यहाँ पे मुझे एक और महिला मिली, जैसे कि हम यात्रा पे निकल रहे थे अपने बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर प्रांगण में आए थे, मंदिर के प्रांगण में। तो यहाँ पे एक महिला मिली जो कि कन्या मिली, जो कि ये भी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रही है लिफ्ट ले लेके, और इनका ये मतलब कि 10वां ज्योतिर्लिंग है। अभी इनका बाकी है जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और श्रीशैलम मल्लिकार्जुन इनका बाकी है। तो मेरा भी वही रूट है और इनका भी वही रूट है, लेकिन हम साइकिल से करेंगे और ये हिचाइकिंग लिफ्ट ले लेके करेंगे। तो इनको ऑल द बेस्ट, इनकी यात्रा मंगलमय हो और साथ में मेरी भी। कहाँ के लिए आप निकले हैं, क्या सोच लेकर निकलते हैं, और कितनी बार ये यात्रा होगा, कैसे आप जा रहे हैं, क्या है आपका ये? देखिए, हम 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हमारे भारत में है पूरे, तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हम इस बार दूसरी बार निकल रहे हैं। पहले हम निकले थे 23 सितंबर 2021 को और उसको कंप्लीट किए थे 6 जून 2022 को, और इस बार आज का डेट है 25 अक्टूबर 2024, और आगे पता नहीं कब कंप्लीट होगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जून में ही कंप्लीट हो। तो इस बार जो है हम दूसरी बार कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा, और ये जो मेरी यात्रा है विश्व कल्याण हेतु मेरी यात्रा है। पिछले बार जो मेरी यात्रा थी वो शहीदों के नाम पे थी, और इस बार मेरा विश्व कल्याण हेतु यात्रा है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का वास हो प्राणियों में, राम रहो विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ की जय, भगवान की जय, समाज की जय, जय भोला। सभी स्वस्ति वाचन करके आशीर्वाद देते हैं। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्ददाम पुनः ब्रह्माणो वसुनीतजज्ञेः द्विदेन त्वन्दनवं वर्धयसो सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः दीर्घायुष्य ओखदे खनिताज्य स्वे चत्वा खणाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा सदबलसा विलोहता आयुष्यमान आरोग्यमान दीर्घायु बाबा। जय बाबा वैद्यनाथ, सफल करा अंडा उड़ावा। शुभ यात्रा, शुभ यात्रा, खूब आनंद। आते हैं, कैसा लगता है? 9 महीना हो जाएगा, 6 महीना 9 महीना तक रहेगा, 9 महीना बाद आएगा ये। इस तरह का काम कर रहे, कितना अच्छा लगता है। हम लोग का रोज टॉकिंग होता है, मोबाइल से बात होता है रोज, बिना माँ बिना बात किए रहने सकती है, इसलिए रोज बात होता है, कहाँ है, कैसे है, सब रोज बात होता है। इसके लिए हम लोग को कोई चिंता नहीं है। ये बाबा बैद्यनाथ उनके साथ है, सब मनोकामना इनका पूरा होगा, जय कल्याण होगा, विश्व का कल्याण करे, जय कल्याण।
अपना शुभ नाम बताइए। सुशील फलारी मेरा नाम, मेरा बेटा का नाम निखिल फलारी। तो भाई साहब, हम वहाँ मंदिर से दर्शन करके निकल गए अपनी यात्रा की ओर, और आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे मंदिर में हमको आशीर्वाद दे के विदा किया गया। सबको ही मुझे आशीर्वाद दिए, जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित थे देवघर बैद्यनाथ धाम के पंडा जी लोग थे, तो सबको ही जो है हमें आशीर्वाद दे के, हम पापा का आशीर्वाद लेके हम यात्रा पे निकले हैं। ये जो रास्ता है ये कुंडा जाता है, ये सीधा रास्ता, आगे में एक चौराहा आता है कुंडा मोड़, और उसके जस्ट पीछे ही हमारे देवघर शहर का एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट के रास्ते से ही होते हुए जो है हम चले जाएंगे मधुपुर वाला रोड। आगे जाके दो रास्ता कटता है मधुपुर के लिए, एक पुराना वाला रास्ता जहाँ से 70 किलोमीटर मधुपुर की दूरी होती है देवघर से, और एक नया वाला रास्ता जो शॉर्टकट निकाला गया है वहाँ से 28 से 30 किलोमीटर के अंदर में मधुपुर पहुँचेंगे। तो मंदिर से चलने के बाद हम लिए पहला स्टॉपेज कुंडा मोड़ में अपने भाई के पास, और इधर से क्रॉस कर रहे थे तो इसका घर जो है यहीं पर कुंडा मोड़ में, और यहाँ पर जैसे उनको पानी प्यास लग रहा था, यहाँ पर जैसे ही आए तो मुझे भाई ने मिठाई खिला के, फल खिला के पानी पिलाया। तो अभी यहाँ पे 5 मिनट हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अंकल ने जानकारी दिया कि हम जाने वाले थे एयरपोर्ट के रास्ते से मधुपुर, अंकल ने बताया कि वो रास्ता से जामताड़ा बहुत लंबा पड़ेगा, जिधर से उधर से घूम के जाओगे उतना देर में यहाँ पे जामताड़ा पहुँच जाएंगे। तो हम डिसाइड किए हैं कि सारामा सारट चित्रो होते हुए हम जामताड़ा निकलेंगे। तो मिलते हैं आगे आपसे हम रास्ते में, और कुछ नया नया सीन दिखा, कुछ नया नया लोग मिले तो आप लोगों को मिलाते रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बाउंड्री, बाउंड्री के उस पार है देवघर का एयरपोर्ट, तो उधर से भी जाता है मधुपुर रास्ता, तो उधर से हम जाएंगे नहीं, हम सीधे वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि उधर से मधुपुर से जामताड़ा बहुत लंबा पड़ेगा और ये सीधे वाले रास्ते से हमको शॉर्ट पड़ेगा, तो क्यों ना शॉर्टकट लिया जाए। ये चौराहे से राइट वाला रास्ता चले जाता है एयरपोर्ट, यहाँ से एयरपोर्ट का दूरी 1 किलोमीटर है और मुझे जाना है सीधा। तो भाई साहब, चलते चलते लग गया हमको बहुत जोड़ों का भूख। घनघोर जंगलों के बीच में रोड के किनारे हम अभी यहीं पे खाना खाएंगे। छाया दिखा, धूप उधर है, इधर छाया दिखा, तो इसी जगह पे अभी बैठ के खाना खाएंगे। तो चलिए निकालते हैं खाना, और आप लोगों को हम दिखाएंगे कि आज हम खाने में क्या खाने वाले हैं। तो यहाँ पैकेट में हम घर से खाना लेके आए थे, तो इसको अभी इधर ही रखेंगे, यहीं पे रखेंगे, और बोतल वाला पानी निकाल लेते हैं, यहीं पे इसी जगह पे बैठ के अभी खाना खा लेते हैं हम। ये खाना हम घर से लेके चले थे, मम्मी बना के दी थी। ये मेरा जो है घर वाला खाना आखिरी अभी होने वाला है, फिर पता नहीं कब मिलेगा घर का खाना। तो अभी इसमें देखिए 4 पराठा है और कुछ सब्जी है, देखते हैं सब्जी में क्या है। तो आलू का भुजिया जो लंच बॉक्स में स्कूल में हम लोग लेके जाया करते थे, तो पराठा और भुजिया भी हम यहाँ पर खाएँगे। वहाँ से डहुआ से चलने के बाद, रेस्ट करने के बाद चले हम आगे रास्ते में। तो यहाँ पे दो मेरे सब्सक्राइबर, दो मेरे दोस्त मिल गए, देख रहे हो आप मेरे पीछे बाइक पे आ रहे हैं। तो ऐसे ही इन लोगों से बात करते करते जा रहे हैं, मौसम भी जो है बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हम बोर्ड में देख रहे हैं कि चित्रा यहाँ से 10 किलोमीटर है लेफ्ट साइड, और जामताड़ा 37 किलोमीटर है लेफ्ट साइड, बाकी कोरो कर्माताड़ ये सब सीधे चले जाएगा, मधुपुर राइट चले जाएगा और गिरिडीह राइट चले जाएगा। तो मुझे आगे में बोर्ड जो है वहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है। और यहाँ पे कुछ भाई साहब मिल गए जो कि आप लोग इधर के ही रहने वाले हैं ना, इधर के रहने वाले हैं, और हमें रोक के बोले कि बिस्कुट मेरे तरफ से ले लीजिए और एक बोतल पानी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको जो मुझे पानी दिए। आपका यात्रा मंगलमय हो। जी जी, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो यहाँ पे सारठ से आगे चलने के बाद इधर के मंत्री माननीय रणधीर सिंह जी के घर के सामने ही एक मंदिर मुझे दिखा, तो आज रात को इसी मंदिर में स्टे करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कितना भव्य गेट है, और यहाँ पे एक स्टेडियम है, स्टेडियम का कुछ है, बिल्डिंग है, तो इसी मंदिर में आज रात को रुकेंगे। सामने देख रहे हैं मंदिर, और मंदिर के आगे जो है फील्ड है, तो देखते हैं यहाँ पे व्यवस्था लगाते हैं कुछ रुकने का, और पूछते हैं कि कुछ रुकने का जुगाड़ है या नहीं है। तो यहाँ पे अभी रुकने का जगह मिल गया, ये जगह का नाम सहजोरी, सहजोरी में, और
यहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का, माँ पार्वती मंदिर, दुर्गा मंदिर है और एक माँ काली मंदिर है। तो इधर ही आज रात को नाइट स्टे होगा, देखते हैं कि कहाँ पे अच्छा जगह है, कहाँ पे साफ सफाई जगह है जहाँ हम सेफ रह सके कुत्ता से और जानवर से इधर का, क्योंकि गाँव का एरिया है, रात को जो है बहुत सारे जानवर इधर मिलते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये सब सारे लड़के जो है सब देवघर से ही है, देवघर में करनीबाग एक जगह का नाम है, उधर से ही ये लोग रहते हैं, घर भी वहाँ पे और इन लोगों का गांव इधर है। तो यहाँ पे जो है रूम यहाँ पे खुल रहा है अभी, और इसी रूम में मंदिर यहाँ पे है, और यहाँ पे पीछे मंदिर के पीछे जस्ट एक हॉल है, इसी में रूम है, तो इसी में आज रात को रुकेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसा व्यवस्था है, ठीक है, यहीं पे रात को आज रात को हम रुकने वाले हैं, इसी के वजह से ये रूम खुला। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, याद भी है मतलब नहा लिया और बॉडी में वो बोला करते थे जो रोड पे करते थे। तो अभी जो गांव में हम रुके हुए हैं शहर जोरी में, वो काली मंदिर में वहाँ अपना जो है व्यवस्था लगाया है सोने का, शुभम के द्वारा इन्होंने ही मेरे वहाँ पे जो है रूम खुलवा दिया, और शुभम के पापा हैं जो हमें अपने घर लेके आए खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और ये सत्यम जो है अपने घर से सब्जी और रोटी लेके आया, वहाँ रोटी सब्जी ये लेके आया, तो उसका भी खाना हम खा रहे हैं। ये देखो ये माँ काली मंदिर है, और भोलेनाथ और माँ पार्वती मंदिर और गणेश जी का मंदिर है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, पूरा सन्नाटा है, एक भी लोग नहीं है ऐसा कुछ। ये हॉल है, यहाँ अपना साइकिल लगाए हुए हैं, मंदिर के जस्ट पीछे ये साइड में तालाब है, यहाँ हम ताला लॉक कर दिए, और इस रूम में आज रात को हम सोने वाले हैं। अपना योगा मैट लगा के सामान वगैरह इधर रखे हुए हैं, और यहीं पर आज रात को हम सोने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय माता दी, हर हर महादेव।